डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन पिथौरागढ़ ने विभिन्न मांगों को लेकर बाहों में काला फीता बांध विरोध जताया। फार्मासिस्ट 26 अप्रैल को सीएमओ कार्यालय में धरना देंगे। मांग पूरी न होने पर निदेशालय में भी धरना देंगे। विरोध जताने वालों में केएस अधिकारी, गिरी जोशी, प्रकाश वर्मा, टीएस तोमर, नीलम जोशी, कविता, कैलाश जोशी, सुनील नाथ, जीवन खड़ायत, नवीन जंगपांगी आदि शामिल रहे। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जाग उठा पहाड़। विहिप और बजरंग दल के द्वारा गांधी चौक में किए जा रहे आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। जिला अधिवक्ता संस्था के सचिव पंकज शर्मा ने बताया कि मंगलवार को समर्थन में अधिवक्ता बैठेंगे। आज आंदोलन को व्यापार संघ ने समर्थन दिया। जो ये गोपू भाई द्वारा चलाई गई मुहिम है, और देखिए ये मुहिम दरअसल हर अभिभावक उनका घूट समझकर और अपने बच्चे के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए पिछले कई वर्षों से उनका घूट समझकर पी ले रहा है, और जो पैसा जितना डिमांड स्कूल कर रहा है, जो ये मेंटेनेंस चार्जेज और ये नाना प्रकार के अलग अलग नए नाम देकर, तो वो दे दे रहा है, क्योंकि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हर कोई इंसान को लगता है कि हम कमा भी उन्हीं के लिए रहे हैं और आगे हमने उनके फ्यूचर बनाने के लिए जो भी विद्यालय डिमांड कर रहा हम दे रहे हैं। लेकिन आज ये बहुत अच्छी पहल है, तो इसलिए इसमें व्यापार संघ पूरा गोपू भाई के साथ है। और इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहता हूँ मैं कि जैसे बसों का है, उनका बसों का क्राइटेरिया का भी हमें समझ में नहीं आता, उसमें सुरक्षा के मानक क्या है और कितने बच्चे बस में होने चाहिए, कितने अटेंडेंट अंदर होने चाहिए, और सिर्फ एक क्लीनर से ये नहीं चलेगा। संघ के पदाधिकारी गांधी चौक पर धरने में बैठे। वहां अध्यक्ष तपन रावत, उपाध्यक्ष अजय रावत, महासचिव रोहित चौहान, कोषाध्यक्ष मुकेश मेहर, भूपेश जोशी, दीपक तिवारी समेत कई अभिभावक मौजूद रहे। उन्होंने आंदोलन को समर्थन देते हुए रीएडमिशन, मटेरियल, मेंटेनेंस की फीस वापस करने, निजी प्रकाशकों की किताबें नहीं लगवाने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता महेंद्र लुंठी ने कहा है कि पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री घोषणा के कार्य पूरे नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत घोषणा पिथौरागढ़ जनपद में की, लेकिन वो घोषणा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी है। आज जिला योजना एक खानिया होती है, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेकेदारी के अलावा और कुछ नहीं दे रही है। इसलिए जिला प्रभारी से हमारा निवेदन है कि आप जब भी आए, ये मन बना के आए कि पिथौरागढ़ जनपद में हमें जो रुके हुए कार्य है, बेस हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, जो बड़ी योजना है, उनको सुचारू रूप से कराएं। कहा कि प्रभारी मंत्री जिला योजना की बैठक में आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री बेस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा कराएं। कहा कि जिला योजना महज खाना पूर्ति है, भाजपा नेताओं को ठेके देने को हैं। लुंटी ने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं के माध्यम से लूट कर रही है। चंपावत में जिला कार्यालय परिसर में 3 किसान रथों को जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी, प्रमुख रेखा देवी, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ 2 मई तक 24 न्याय पंचायतों में रोस्टर के अनुसार जाएंगे। इस दौरान किसानों को आधुनिक खेती, बीज, रसायन आदि की जानकारी दी जाएगी। हमारी सारी 24 न्याय पंचायत में ये एक तरह से सचल दल जाएंगे और एक रोस्टर बना हुआ है, उसके अनुसार गांव-गांव तक कोशिश रहेगी कि कृषि की जो जानकारी है और जो इनपुट्स है वो पहुंचाया जा सके और एक महोत्सव के तौर पे उसे मनाया जा सके, क्योंकि हमारा जैसे चंपावत डिस्ट्रिक्ट है तो कृषि, एग्रीकल्चर एंड अलाइड इकोनॉमी है मेजरली, तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी किसानों को और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी की जो मंशा है वो भी साकार होगी। इस मौके पर CDO RS रावत, मुख्य कृषि अधिकारी GS भंडारी, भाजपा नेता सतीश पांडे समेत रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
महिला अस्पताल पिथौरागढ़ के बाहर बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए वाहनों से आम राहगीरों के साथ ही 108 सेवा के संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। यहां ट्रैफिक व्यवस्था न होने से खड़े दोपहिया वाहन लोगों की परेशानी का कारण बन जाते हैं। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।